हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14, क्लास 10th साइंस, अम्ल क्षारक एवं लवण। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक सूत्र है CaOCl2, शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है CaOH2 + Cl2 = CaOCl2 + H2O। क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है इसमें और इसके गुण हैं, विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का पाउडर है, क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध देता है, पानी में घुलनशील है और उपयोग है इसके वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। यानी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ये कलर को उतार देता है, जैसे कपड़े वपड़े को साफ कर देता है कलर को, अगर उसमें हल्का पीलापन होता है तो इसलिए इस फैक्ट्रियों में इसका यूज़ होता है। बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसका साधारण नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र है NaHCO3। सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण होता है NaCl + H2O + CO2 + NH3 = AmCl + NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा। अब बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर प्रायः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, यानी कि हम बेकिंग सोडा में ही थोड़ा सा टार्टरिक अम्ल बना देते हैं तो ये बेकिंग पाउडर के रूप में यूज होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। एंटेसिड का एक संघटक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है, खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, खाने को सीकता से पकाने के लिए। और धोने का सोडा, रासायनिक सूत्र इसका है Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के। ये प्राप्त किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। एंड बेकिंग सोडा गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, यानी सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा बनता है, फिर बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और H2O बन जाता है एंड CO2 बन जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट को हम दोबारा से क्रिस्टलीकरण करेंगे जल के साथ तो धोने का सोडा Na2CO3 10H2O बन जाता है। इसके उपयोग हैं बोरेक्स के उत्पादन में, साफ सफाई के लिए, कांच साबुन एवं कागज के उद्योगों में जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए। अब इन प्रश्नों को हम देखते हैं कि नंबर वन है बेकिंग सोडा एवं धोने के सोडा, इनका रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, रासायनिक सूत्र है इसका NaHCO3। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, रासायनिक सूत्र है इसका Na2CO3 10H2O वाटर। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। धोने का सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो सोडियम क्लोराइड से पहले बेकिंग सोडा बनाया जाता है, फिर बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आप देख सकते हैं NaHCO3 को जब हीट किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनता है, यानी Na2CO3 + 10H2O = Na2CO3 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्रश्न तीन है बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? तो बेकिंग सोडा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, सिंपल NaHCO3, इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड द्वारा होता है, NaCl + H2O + CO2 + NH3 = AmCl + बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग पाउडर है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, यानी NaHCO3 + टार्टरिक अम्ल = बेकिंग पाउडर। उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है एवं क्लोरीन की गंध देता है, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र है CaOCl2।
प्रश्न 5, जीवाणु को खत्म करने वाले रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है, क्या यह कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। नहीं, यह कथन सही नहीं है। धोने का सोडा केवल कपड़े धोने और अन्य कार्यों जैसे कांच, साबुन तथा पेपर उद्योग में प्रयोग होता है। जीवाणु खत्म करने वाला रासायनिक पदार्थ ब्लीचिंग पाउडर है।